Assalamu alaikum my dear friends, my name is Shahzad Maqsood. Welcome back to a new video on my YouTube channel. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम Realme X9 Pro 5G फ़ोन को डिस्कस करने वाले हैं. यू नो के Oppo Reno 5 सीरीज़ को 6 माह पहले ग्लोबली लॉन्च किया गया था, और Reno 5 सीरीज़ फर्स्ट टाइम मार्केट में भी अवेलेबल है. सो उसके एक और दो माह बाद ही, यानी कि फ़ौरन बाद ही Reno 5 सीरीज़ के Oppo की जानब से Oppo Reno 6 को रिलीज़ कर दिया गया था. सो तब से आज तक आपको Reno 6 से रिलेटेड मुख्तलिफ न्यूज़, रिलीज और रूमर देखने को मिल रहे हैं. सो वो सीरीज तो अभी तक पेंडिंग है. Reno 6 सीरीज में आपको तीन डिवाइसेज मिलने हैं, जिसमें Reno 6 स्टैंडर्ड वेरिएंट होगा, Reno 6 प्रो और Reno 6 प्रो प्लस, यानी कि 6 सीरीज का टॉप एंड वेरिएंट होगा. सो वो सीरीज तो अभी तक पेंडिंग है. सो ओप्पो अब Reno 6 सीरीज को एज अ रिफ्रेश्ड आपको Realme X9 फोन प्रोवाइड करेगा. X9 Pro 5G की सूरत में आपको Reno 6 सीरीज की स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली हैं, यानी कि जो Realme X9 Pro डिवाइस होगी इसमें आपको वो तमाम स्पेसिफिकेशन मिलेंगी जो Oppo Reno 6 सीरीज में प्रोवाइड करने वाला है. और यहाँ पर ये भी बात क्लियर करता चलूँ कि जो Oppo Reno 6 है, यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएंट है 6 सीरीज का, वो भी आपको पर मिल रहे हैं प्राइस टैग में मिलेगा, जो कि अराउंड 70,000 के लगभग बनता है. और जो इस सीरीज का टॉप एंड वेरिएंट है, यानी कि 6 प्रो प्लस, ये वेरिएंट अराउंड अबाउट 1,00,000 से ज्यादा के प्राइस टैग में लॉन्च किया गया जाएगा. सो ये बहुत ही अमेजिंग पार्ट है कि ये सीरीज की तमाम स्पेसिफिकेशन, जो कि एक प्रीमियम और फ्लैगशिप लेवल के एक ब्रांड की सीरीज है, और उस के स्पेसिफिकेशन आप एक मिड रेंज फोन में मिल जाए, तो जो कि Realme X9 Pro 5G में आपको मिलेगी. तमाम स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट वही होंगे. सो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिड रेंज प्राइस टैग में Realme की इस डिवाइस में मिलने वाला है. सो आज वीडियो में हम Realme X9 Pro की तमाम स्पेसिफिकेशन को देखेंगे, एट दी एंड इसका प्राइस टैग भी डिस्कस करेंगे. सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार जो दोस्त चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. तो बिना बात जाए किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कैमरा साइड को देखें तो उसी तरह आपको सेम डिज़ाइन मिलेगा डिवाइस का, और स्पेशली जो कैमरा सेटअप डिज़ाइन है वो भी आपको बैक पर सेम मिलने वाला है. तो इस डिवाइस में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा. मेन कैमरा इस डिवाइस में आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, सेकंड लेंस 16 मेगापिक्सल का होगा, और थर्ड वन कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, और साथ में आपको बैक पर एक एलईडी फ्लैश सेटअप भी मिलेगा. और Reno 6 सीरीज में, Reno जो सीरीज है, ओप्पो हमेशा इसमें एक कुछ नया करने को ट्राई करता है, और स्पेशली कैमरा सेटअप पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है. तो इसीलिए Reno 6 सीरीज का जो कैमरा सेटअप है वो मेड बाय सोनी होगा. सो इस प्राइस में भी, एंड के Realme X9 Pro में भी आपको जो कैमरा सेटअप है ये मेड बाय सोनी मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग पार्ट है. फ्रंट पर आए तो 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर इस डिवाइस में मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला है. आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको ऑटो दी बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा. 3.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की एक फास्ट स्पीड आपको मिलेगी, और यहाँ पर सामने आपको स्नैपड्रैगन 870 की चिप प्रोवाइड की जाएगी. 5G चिप है और 8 नैनोमीटर वाली है. सो Reno 6 सीरीज में Reno 6 प्रो प्लस जो कि 12 वेरियंट है, उसमें आपको ये फ्लैगशिप चिप प्रोवाइड की जाएगी. सो आपको वो चिप एक प्रीमियम और अपर मिड रेंज प्राइस टैग वाले फ़ोन में जो मिलनी है, वो आपको एक मिड रेंज प्राइस टैग वाले फ़ोन में मिलने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा एक बेटर परफॉर्मेंस चिप प्रोवाइड करती है. Adreno 650 का चिप इस डिवाइस में पैक किया जाएगा. आप अगर इसके डिस्प्ले पर आएँ तो AMOLED टच स्क्रीन इस डिवाइस में पैक की जाएगी, जिसका साइज 6.55 इंचज होगा, और ये डिस्प्ले आपको 1080x2400 की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा. और यहाँ पर आपको एक हाई रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, जो कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है. अब प्राइस टैग को देखें और Reno 6 सीरीज को देखें तो प्रो प्लस में स्पेशली उस प्राइस टैग में तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट बनता है, लेकिन ओप्पो की जानब से सिर्फ 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट उस डिवाइस में भी एक्सपेक्टेड है. सो ये भी एक बेस्ट पार्ट है कि आपको मिड रेंज प्राइस टैग में एक प्रीमियम डिवाइस का जो रिफ्रेश रेट है वो एक मिड रेंज प्राइस टैग में मिलेगा, यानी कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इस प्राइस टैग में मिलने वाला है. इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो तीन वेरिएंट्स से रिलेटेड इसकी न्यूज़ रिवील की गई हैं, जिसमें 8GB ऑफ रैम, 12GB ऑफ रैम बिल्ड इन, 128GB ऑफ रोम, 256GB ऑफ रोम एंड 512GB ऑफ रोम वाला वेरियंट
एक्सपेक्टेड है। सो पाकिस्तानी मार्केट में तो 512 GB ऑफ रोम वाला वेरियंट इसके कम ही चांसेज है, 256 GB ऑफ रोम वाले वेरियंट के भी कम ही चांसेज है, लेकिन आपको जो 8 GB ऑफ रैम 128 GB ऑफ रोम वाला वेरियंट होगा वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको डिवाइस प्रोवाइड की जाएगी। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में पैक किया जाएगा। बैटरी को डिस्कस करें तो सेम बैटरी लाइफ आपको मिलेगी, सिर्फ यहाँ पर चार्जिंग स्पोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाएगा। 4500 mAh की बैटरी इस डिवाइस में पैक की जाएगी और यहाँ पर सामने आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है। सो जो रीनो 6 सीरीज का स्टैंडर्ड वेरियंट है उसमें 65 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी, जो रीनो 6 प्रो है उसमें 100 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी, और जो रीनो 6 प्रो प्लस है उसमें आपको 125 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। सो रियलमी X9 प्रो में आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा तेज सपोर्ट होने वाली है। अब एट द एंड तक इसका प्राइस को देखें तो कन्फर्म प्राइस अभी तक इसकी रिवील नहीं की गई। सो जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस आएगा वो राउंड बोर्ड 55,000 to 58,000 तक बनता है, यानी कि मिडिल प्राइस में आपको ये डिवाइस मिलेगी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्पेक्स के सामने आएगी, स्पेशली जो इसका कैमरा सेटअप है वो मेड बाय सोनी होगा, और यू नो के जो सोनी के कैमराज होते हैं बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ में आते हैं। सामने आपको एक 5G सुपर फास्ट चिपसेट प्रोवाइड की जाएगी और एक अच्छा रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। सो ये था कि वीडियो में करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक कीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज मिशन।